वो ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, ढिंडोरा कांग्रेस पीट रहे। मोदी जी हम नहीं बनवाए, मोदी जी क्यों बनवा दिए? और पिताजी कहते थे मैं भैंस पे बैठ के जा रहा था, पिताजी कहते हैं कि मैं भैंस पे बैठ के जा रहा था, और बेटा 150 का बंगला में रह रहा है। केपी का सेटिंग है, नीतीश कुमार को भेज दिए आरजेडी के तरफ, ऐसा सेटिंग कर दिए ले दे के सबको डूब गए अपने खुद के, ठीक है और कोई बात नहीं है। वो पूरे बच को इकट्ठा किए और एक नाव पे बैठाए, नाव में छेद किए अपने निकल गए। उनको लगा हम ले दे के डूब जाएंगे, वो बाहर आ गए हम ले दे के डूब रहा है। ऐसा बात है ना, राम जो है ना, राम पूरे हिंदुस्तान के आस्था है, ठीक है भैया। पप्पू एक बार अपने मम्मी से कह देते, एक बार राम मंदिर पे बोल देती। अरे भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, वो राम राम तो करेगी। क्या लग रहा है? 100% सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात। पार की जो बात हो रही है वो सही है, बिल्कुल सही है। और अभी अभी आपने कहा था कि नीतीश सरकार जो के बारे में, तो नीतीश जी बहुत अच्छा काम किया, मैं चीज बताता हूँ। वो पूरे बच को इकट्ठा किए और एक नाव पे बैठाए, नाव में छेद किए अपने निकल गए, बाकी को डूबने दिए। ये काम वो जो नीतीश कुमार थे ना, आप गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार डूबते हुए नैया को किनारा लगाना चाहते थे, उनको लगा हम ले दे के डूब जाएंगे, वो बाहर आ गए हम ले दे के वो डूब रहा है, समझे। वो छेद वो नहीं किए थे, ये पहले से छेद छाद करके आए हैं। देखिए ये बीजेपी का सेटिंग है, नीतीश कुमार को भेज दिए आरजेडी के तरफ, ऐसा सेटिंग कर दिए ले दे के सबको डूब गए अपने खुद के, ठीक है और कोई बात नहीं है, समझे ना। मतलब यही बात है, देखिए बिहार में विकास का चर्चा नहीं हो रहा है, विकास नहीं चाहिए वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे नीतीश बैठ जाए मुख्यमंत्री तो लालू का बेटा बच जाए, नवी फेल। हाँ, भाई विकास का चर्चा कर लो थोड़ा सा। अपने बिहार के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, हाँ, ऐसी कौन से कर्म किए हो जो यहाँ नौकरी कर रहे हो यार? हाँ, ना इतना बड़ा बिहार है भाई साहब, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाता। तो एनडीए है, संभाल लेगी, क्या लग रहा है? कहाँ है एनडीए? अब एनडीए तो अभी पैदा हुई है, अब पैदा हुई तो बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तब वो कुछ करेगा। जो पैदा होके बड़े हुए वो तो मर गए, चोरी कर लिए, चोरी करके घर का जो है खजाना भर लिए। 150 करोड़ का उनका फ्लैट है, और पिताजी कहते थे मैं भैंस पे बैठ के जा रहा था, पिताजी कहते हैं कि मैं भैंस पे बैठ के जा रहा था, और बेटा 150 का बंगला में रह रहा है। वाह भाई वाह, गजब की राजनीति है। तो राम मंदिर को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए हम राम मंदिर, ऐसा बात है ना, राम जो है ना, राम पूरे हिंदुस्तान के आस्था है, ठीक है। कोई राम को मत्था टेकेगा तो कोई राम को यहीं से कहेगा राम प्रणाम, कोई अपने घर में जिचाकी रही भावना जैसी, ता मूरख देखे तिन तैसी। तो जो जो जिस प्रकार से राम को देख ले, आप ही हैं आप। लेकिन राम के नाम पर आखिर कितना वोट ले आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, कितना वोट ले? सुनिए, मोदी जी हिंदू है, सनातनी है, मोदी जी राम को मानते हैं, मोदी जी राम मंदिर का निर्माण किए, वो अपना सदन में बैठ के कार्य कर रहे हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, ढिंडोरा कांग्रेस पीट रही। मोदी जी हम नहीं बनवाए, मोदी जी क्यों बनवा दिए? मोदी जी वोट ले गए। अरे भैया पप्पू एक बार अपने मम्मी से कह देते, एक बार राम मंदिर पे बोल देती। उन्होंने कांग्रेस वाले कहते थे ना राम, सुनिए कांग्रेस वाले कहते थे, यही कांग्रेस के लोग कहते थे राम का कोई साक्ष्य नहीं है, मालूम होगा राम का कोई साक्ष्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब गांधी जी मर रहे थे तो लास्ट टाइम उन्होंने कहा हे राम, गांधी जी हे राम कह के मर गए। हाँ, वो साक्ष्य गलत हो गया। राम गांधी जी तो राम कहे, लोग कहते भी हैं कि गांधी जी लास्ट टाइम कहे हे राम, फिर भी कह रहे हैं राम का साक्ष्य चाहिए। अरे तुम्हारा दादा कह के चला गया यार, दादा के नाम पे राजनीति करोगे, वोट लोगे, दादा राम कह के चले गए तो नहीं बोलोगे? गांधी जी थोड़े दादा थे, गांधी जी मरते समय कहे थे ना लास्ट में, नाथूराम गोडसे जब मारा था, नाथूराम गोडसे जब गांधी जी को मारा था, क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उसने राम नहीं बोला, राजीव गांधी के आपने देखा नहीं राम नहीं बोला, ये कहीं आया पेपर में, ये इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। इंडिया टीवी आज तक, ठीक है, एक नाम है ना सुधांशु द्विवेदी है, सुनो। उसके बाद उसके साथ में 2 मुस्लिम भाई बैठते थे और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं, उन लोगों के बीच बहस होती थी। आखिर हर बार सुना है। ये मुद्दा यहाँ पर आता है कि हर बार राम मंदिर क्यों, बेरोजगारी महंगाई को एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता देश में? राम जो है ना वो हमारे आस्था है, हम चलते रहेंगे तो राम राम करते रहेंगे। अब कोई हमको राम राम कहते हुए जा रहे हैं तो कोई कह रहा नहीं ये बीजेपी का प्रचार कर रहा है, राम राम क्यों कर रहा है? अरे भैया मानसिक ठीक कर लो आप बीमार हो गए हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि ऐसी बना ली है। अरे भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, वो राम राम तो करेगी। हाँ।
हम राम कहेंगे बाकी सब, अब बाकी सब जो नहीं कर रहे उसका उसके मुंह में क्या आप कुछ ठुसेड़ के थोड़ी निकालेंगे। ये बता प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के प्रवक्ता हो करके राम के गुणगान गा रहे, तो अब उनको ये थोड़ी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उससे मिले हुए। आप कह भी रही हो, आप सवाल भी उठा रही हो, पहले आप कहना क्या चाहते हो? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे उनको देखेंगे? भाजपा कह रही राम राम, जो अन्य भाजपा के हैं लोग हिंदू हैं तो राम राम कह रहे हैं, ठीक है। राम राम कहना सनातन धर्म में है तो राम राम कह रहे हैं। अब कोई ये कहे कि नहीं मोदी जी राम राम कहवा रहे हैं, मोदी जी किसी से कहे थे क्या राम राम कहो? किसी से कहे थे? मोदी जी राम मंदिर बनाने के लिए आपसे कहे थे कि नहीं राम मंदिर बनवाऊंगा? उनको संकल्प था वो बनवा दिए, वो अपना सदन में बैठ के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बनवाया तो देश का संसद भवन बनवाया, कभी संसद भवन पे चर्चा हुआ यहाँ? कोई संसद बेंट माउंटन का संसद भवन था, ये बेंट माउंटन का संसद भवन था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उस अंग्रेजों के संसद भवन के झूठी पूटी संविधान लागू करके देश को चलाते थे कांग्रेस वाले। आज मोदी आया है, ये बात कह रहा है कि ईवीएम को जो है बैन कर देना चाहिए। ईवीएम लाया कौन था? लाया कौन था बताओ, अपने मुंह से बताओ। आप हम पकड़ रहे हैं मैडम, सॉरी हम पकड़ रहे हैं, आप बताओ। माइक मत पकड़ो। हम हाँ आप नहीं, आप ये बताइए विपक्ष जो ये बात कर रहा है, विपक्ष ये जो बात कर रहा है, विपक्ष को आप बताओ इतने लोगों के सामने ईवीएम कौन लाया? हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप बताइए ना। ईवीएम कांग्रेस लाई थी। अगर हम ही जवाब देने लग जाए तो फिर क्या? ईवीएम कांग्रेस लाई थी, ठीक है। ईवीएम से चुनाव करवा रही थी, जब तक कांग्रेस जीती तब तक ईवीएम ठीक बा। 14 में मोदी जी आए, ईवीएम खराब हो गया। 14 से ईवीएम अभी तक खराब ही चल रहा है। अभी भी ईवीएम ठीक है, लेकिन तेलंगाना में ठीक है, ये क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ठीक है, कर्नाटक में ठीक है, और ठीक है जहाँ जहाँ कांग्रेस की विधायक है, जहाँ जहाँ विपक्ष के विधायक है जो जीत के आए हुए हैं वहाँ का ईवीएम ठीक है। सुनिए, दिल्ली में ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ से बीजेपी चुनाव जीत गई ना, उनका ईवीएम खराब हो गया। जो हमारा चुनाव आयोग है ना, ईवीएम खराब हो गया। चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग, आप लोग समझ लो कि हम ही चुनाव आयोग है। ईवीएम पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, न तो मोदी कुछ उखाड़ सकता है, न तो राहुल गांधी कुछ उखाड़ सकता है, ठीक है। आप क्लेम किस पे कर रहे हो? संविधानिक पे बैठा हुआ वो, आप किसको आप क्लेम कर रहे हो? जो संविधान चला रहा है, चुनाव आयोग को गलत कर रहे हैं।